हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास बेदना। वी हैव सीन लास्ट मीनिंग्स एंड ट्रांसलेशन। नाउ एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर वन इन एक्सरसाइज। एमसीक्यू नंबर वन, प्राचीन समये गुजर राज्य कह विद्या विश्वविद्यालय आसी कहा, विच विश्वविद्यालय वॉज देयर इन द एंशियंट टाइम। यू नो डी विल बी विश्वविद्यालय। उपविदा कदी शक्ति, हाउ मेनी उपविदाज आर देयर, चतवार मीन्स फोर। सेकंड वन बी ख चतवार। नंबर थ्री, भाष्यकार स्कंद स्वामी कस्या शताब्द्याम संजाता, इन विच सेंचुरी भाष्यकार स्कंद स्वामी वॉज बॉर्न, संजाता और वॉज देयर। नंबर थ्री, चतुर्व्याम मीन्स इन फोर्थ सेंचुरी। सेकंड वन, वल बी कैसा राजधानी आसित, विथ पर्टिक्युलर किंगडम्स कैपिटल वॉज वल बी, मैत्रकाणाम बी। सेकंड वन। नेक्स्ट, महावीर से उपदेश के नाम न पसंद, इन विच नेम द प्रीचिंग ऑफ महावीर बिकम फेमस, दैट इज आगम ए। फर्स्ट वन, यू नो महावीर प्रीचिंग इज फेमस एज द नेम आगम। नंबर सिक्स, वल्बी नगरे मिलिताया जैन साधुना समिति अध्यक्ष का आसित, हु वॉज द हेड ऑफ दैट पर्टिक्युलर मीटिंग विच जैन सेंट्स मीट, नागार्जुन ए। आंसर ए, नागार्जुन वॉज द अध्यक्ष ऑफ दैट पर्टिक्युलर मीटिंग्स। नाउ आंसर इन वन सेंटेंस, प्राचीन कालात वल्बी कस्य केंद्रम आसित, विच पर्टिक्युलर सेंटर्स दिस वल्बी वॉज, प्राचीन कालात वल्बी अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसित, मेन सेंटर ऑफ लर्निंग स्टडिंग। वल्बी वॉज द मेन सेंटर ऑफ स्टडिंग लर्निंग इन एंशियंट टाइम। वेदांगानी कतानी संति, हाउ मेनी वेदांगिनीज आर देयर, वेदांगिनी सटह संति, सटह मीन्स सिक्स, कति कट एंड हैव टू राइट सटह मीन्स देर आर सिक्स वेदांगिनीज। श्रीमल वादीशूरी का आसित, हु वॉज श्रीमल वादीशूरी, श्रीमल वादीशूरी सूरी ही जैनाचार्य आसित, हु वॉज द हेड ऑफ द जैन, जैनाचार्य जैन आचार्य, श्रीमल वादी वॉज द जैन आचार्य। भगवत महावीर से जन्म कदा अभवत, वेन डीड महावीर बॉर्न, भगवत महावीर से जन्म ख्रिस्तात् पूर्व प्राय पंचम्य शताब्द्याम आसित, पूर्व प्राय महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन फिफ्थ सेंचुरी बीसी। जैन साधुना समिति कस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, विच पर्टिक्युलर राइटिंग टू प्लेस इन दैट पर्टिक्युलर प्लेस, जैन साधुना समिति कस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत, जैन साधुना समिति इन विच पर्टिक्युलर राइटिंग टू प्लेस, जैन साधुना समिति आगम ग्रंथानाम लेखनस्य प्रस्ताव अभवतः। आगम ग्रंथ कस्य लेखस्य, कस्य कटन आगम ग्रंथस्य लेखनस्य प्रस्ताव अभवत। क्लियर। नेक्स्ट, रेखांकित स्थाने प्रश्नकोतात उचित पदम चित्वा प्रश्नवाक्य रचतः, मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। सी फाइव वर्ड्स गिव हाउ, कुत्र मीन्स वेर, कैन मीन्स हाउ, कह मीन्स हु, कदा मीन्स वेन, कैसा मीन्स हाउ, एंड कस्य मीन्स हुज। क्लियर। ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी आसीत, स्कंद स्वामी वी हैव टू कट एंड मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन ऋग्वेदस्य भाष्यकार कह आसीत, हु वॉज द राइटर ऑफ ऋग्वेद, मेन पर्सन्स, सो स्कंद स्वामी कट एंड यू हैव टू राइट देयर कह एंड इंट्रोगेशन मार्क, कह मीन्स हु। महावीरस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध भवते, महावीर प्रीचिंग फेमस एज आगम। देन कस्य उपदेश, कस्य मीन्स हुज, हुज प्रीचिंग फेमस एज आगम, महावीरस्य, सी लास्ट वर्ड श, महावीरस्य
इन दिस ऑल्सो कस्य असि लास्ट वर्ड श्य कस्य उपदेश आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते हूज प्रीचिंग नॉन एज आगम जैन साधुनाम समिति ही मिलिता जैन साधुना कट देन केशाम समिति मिलता हूज पर्टिक्युलर मीटिंग और विथ मीटिंग अरेंज नवम्याम शताब्द्याम वल्बी नगर से विनाशा भवतः कदा वल्बी नगरम विनाशा भवतः कदा मीन्स वैन वैन वॉज वल्बी डिस्ट्रॉ लेख बदह उपदेश वल्बी वाचना नाम प्रसिद्ध जाता है वल्बी वाचना हैव टू कट एंड हैव टू एड दिस पर्टिकुलर वर्ड्स नेम कैन नामना प्रसिद्ध भवते वल्बी वाचना कट एंड कैन और विच नेम दिस पर्टिकुलर उपदेश फेमस वॉट वी हैव टू डू वॉट वी हैव टू एक्सेप्ट और वॉट वी हैव टू राइट दैट वी शुड कीप इट इन ए प्रॉपर वे क्लियर अगेन नंबर वन ऋग्वेद से भाष्यकार कह आसित कंसवामी कट कह राइट महावीर से उपदेश आगम नमना प्रसिद्ध भवते कस्य उपदेश महावीर से कट एंड कस्य हूज उपदेश इज नॉन एज आगम नाम जैन साधुना समिति मिलिता केशाम समिति मिलिता विच कमिटी अरेंज और हूज कमिटी अरेंज जैन साधुना कट एंड हैव टू राइट केशाम नवमा शताब्द्याम वल्बी नगर से विनाश अभवत वल्बी विद्यालय डिस्ट्रॉयड इन द नाइन्थ सेंचुरी देन वैन डीड वल्बी डिस्ट्रॉय फॉर वैन हैव टू यूज कदा वल्बी नगर से विनाश अभवत इन क्वेश्चन मार्क लेख लेखबद्ध उपदेश वल्बी वाचना नाम प्रसिद्ध जाता वल्बी वाचना कट एंड हैव टू एड कैन नामना प्रसिद्ध लेखबद्ध उपदेश कैन नामना प्रसिद्ध ऑन विच नेम दिस पर्टिक्युलर उपदेश इज प्रीच्ड और फेमस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर That no need of writing. Next, sma prayoga question number 5. See, sma prayoga kurvataha using the particular use of sma. Chhatraha yatharuchi pathanti sma. See here, apathat, apathat is past tense. Have to change into present tense. Sma prayoga means chhatraha yatharuchi keeping same pathanti sma. अपठत कट एंड पठंती स्म यू हैव टू राइट वाई अंति कमिंग प्लुरल फॉर्म इज देयर सो अंति पट प्लस अंति पठंती एंड स्म हैव टू राइट कंपल्सरी एज यूज ऑफ गोइंग टू इन इंग्लिश लाइक दिस इन संस्कृत ऑल्सो दिस टाइप ऑफ यूज ऑफ स्म स्कंद स्वामी अत्रेव अवसत स्कंद स्वामी अत्रेव वसती स्म वसती बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर स्कंद स्वामी ओनली वन दैट इज वाई एडिंग टी वसती पास्ट टेंस कट अकट वसती स्म राजा भूमिम अयचत राजा भूमिम यशती स्म किंग वॉन्ट्स दिस पर्टिक्युलर लैंड और गिविंग लैंड किंग वन दैट इज वाई यक्ष एडिंग टी एंड स्म हैव टू राइट व्हेन यू यूज द पर्टिक्युलर यूज ऑफ स्म यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट दैट अकॉर्डिंग टू पर्सन हैव टू राइट फ्रॉम मी व म सी ती अंति लाइक दिस वर्ड्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देन मी फर्स्ट पर्सन ड्यूअल देन वह एंड प्लुरल देन मह लाइक दिस एंड देन हैव टू एड स्म रेखांकित पदना समास प्रकारम समास हैव टू राइट नेम ऑफ द कंपाउंड्स वाचसभायाम शास्त्रात् मतः वाचसभायाम इज कर्मधारय समास
in which shows the particular object. Sthir Mati Gun Mati Bodhacharyo Asmat. Sthir Mati and Gun Mati, Dvand Samas. Dvand means showing two. Dvand Samas. And Atreva Pravesh Pariksha Bhavati Sma. Pravesh Pariksha Chaturthi Tatpurush. The exam of admission or for admission. So, compound is there. We shows when you separate these two words, then we realize. Vad Sabayam, discussion in the meeting. Sthir Mati Gunmati, two persons' name. Sthir Mati, one person's name. Gunmati, another person's name. Both during Dvand Samas and Pravesh Pariksha. Test for entrance. That is why this compound is known as Chaturthi Tatpurush Samas. Of, for, on, like this, adding that. Now, this particular next question, that is question number 7. Sanskrit Vakyani Rachati Artha. Have to make, seeing the sentence, then have to make Sanskrit sentence. Valbi was the capital of Maitraks. Valbi Maitrak Rajdhani Asita. Valbi Maitrakanam Rajdhani Asita. See how it main bracket means last words as given, you have to write apt and appropriate form of this particular verb. Valbi Maitrak Rajdhanim, that is same, or from Maitrak it become Maitrakanam of the Maitraks and Rajdhani Asit. Valbi was the capital of Maitrak. Number 2, people used to come from distant countries. Sudurat Desah, Sudurat Desat, from the different countries. Janaha Adhyana Agama Agachatisma. Or that from the different countries, people, students come to study. And next, Nagarjun was a reputed well-known scholar. Nagarjuna Prasidaha Panditaha Asitaha. Nagarjuna Prasidaha Panditaha Asit. Nagarjun was the famous knowledgeable person, Pandit. There are 4 Vedas. Vedaha Chatvaraha Santi. From Ved singular Vedaha. Plural Chatvaraha. 4. Os present tense is there, so Santi. There are 4 Vedas. That means Vedaha Chatvaraha Santi. Valbi was destroyed. Valbi Vinasaha Abhavat. Valabhyam. From Valbi it become Valabhyam Vinasaha Abhavat. Valbi was destroyed. Valbi was destroyed. Next. Matru Vasam Anuvad, answer in particular language, that means answer in English. Angal Vasayam Likataha means answer in English. Matru Vasayam means answer in English. Which 18 lords were taught and learnt in Valbi? Which 18 parts, laws, were taught in Valbi? Following laws were taught and learnt in Valbi. Number, again listen, 4 Vedas, 6 Vedangs, 10 Purans, 11 Naishastra, 12 Mimansa, 13 Smriti, 14 Ayurveda, 15 Dhanurved, music, Atharved, and 4 Upvedas. These laws were taught and learnt in Valbi. Again, 4 Vedas, 6 Vedangs, Purans, Nyayashastra, Mimansa Darshan, Smritis, Ayurved, Dhanurved, music, Atharved, and 4 Upvedas were taught in this particular Valbi. Number 2, how many Vedas and Upvedas are there?
There are four Vedas, as you know, Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharva. There are four Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharveda, that you know. There are four Upvedas, they are four Vedas and four Upvedas, they are Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda and Sthapatya Veda. Four Upvedas also there. Four Vedas again, Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharveda. Four Upvedas, they are Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda and Sthapatya Veda. Clear? Number 3, question number. Here we have to see that keep the name in mind, Vedas and Upvedas. Four Vedas are there and four Upvedas are there. Have to keep in mind four Vedas name, that is Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharveda. And four Upvedas are also there. Their names are Ayurveda, Dhanurveda, Gandharveda and Sthapatya Veda. That also we should keep in mind. Question number 3. What type of arrangement was there for study during Maitrak rule? What type of study there in Maitrak rule? During Maitrak rule, after the course of study got over, there used to be an event called Shastrarth. They arrange this particular event named Shastrarth. Various opinions were considered. Students were required to support and prove their opinion. Students need their opinion, discuss about their particular points and place their refusal or acceptance, their opinion and refute to the contrary opinions. Those who scored victory in the debate were given land as a reward by Maitrak rulers. And in this particular debate took place, and the particular students who won this debate, king gave him the land as a winner. And last questions, what preceptor acharya were there in Valbi? What preceptor or acharya were there in Valbi? In the 4th century AD, Skand Swami, the famous scholar who wrote contemporary on Rigveda and two Buddhist preceptors, Thirumati and Gunamati, as well as Jain preceptor Srimal Vadisuri, lived and worked in Valbi. See, these particular acharyas, preceptors who lived in Valbi in 4th century AD, Skand Swami, the famous scholar who wrote commentary on Rigveda, and two Buddhist preceptors, saints, Sthirmati and Gunamati, as well as Jain preceptor Srimal Vadisuri, lived and walked in Valbi. These four main preceptors, acharya, we can say that lived there. Skand Swami, second Sthirmati, third Gunamati and fourth Srimal Vadisuri, he lived there in this particular city named Valbi and gave the knowledge to the students in this Valbi Vidyalay. Clear? That brings the end of this lesson also. I will send a PDF. You will have to write translations, meanings, question answer in your book and have to read 2 times. Okay? Thank you. Have a nice day. Bye.